हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टू गुड। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप कोई भी वीडियो या फिर मेम्स यूट्यूब में जो कि अपलोडेड है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो। मीन्स आपको बहुत से बंदे आप किसी की भी वीडियो देख रहे होगे, किसी के भी वीडियो, मान लो मेरा ही वीडियो देखते होगे, तो उसमें मैंने दूसरे के वीडियो में तुमने देखा क्या कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे जो उसने साउंड लगाया है उस साउंड का लिंक दे दिया है उसने, बल्कि उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट किसी के वीडियो में चले जाओगे। सो उस वीडियो का लिंक उसने दिया है जो कि उसने लगा लिया है अपने वीडियो में। सो और वो वीडियो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ। सो अगर डाउनलोड करना है तो मेरे साथ बने रहो और देखते रहो टेक टू गुड यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा, यहाँ पे यूट्यूब में जाना है। एंड देन यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक मेम्स फ़िलहाल के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल के लिए मैंने एक मेम सेलेक्ट कर लेता है। सो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए ये मैम सेलेक्ट कर लिया है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा मैंने सेलेक्ट कर लिया जो कि ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा है। बट हमें अच्छे से देखना है और कैसे करना है जो कि आपका वीडियो में आप उसे डालो तो कॉपीराइट ना पड़े। सो आपको करना क्या होगा, थ्री डॉट्स में जाना है एंड देन उसके बाद फिल्टर्स में जाना है एंड उसके बाद यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा बहुत से वैसे ही मेल। सो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको एक बार दिखा दिया। सो सॉरी, और जो क्रिएटिव कॉमन्स रहेगा उसका लास्ट में लाइसेंस कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड। मीन्स आप इस वीडियो को रीयूज कर सकते हो, इस मेम को रीयूज कर सकते हो। सो अब कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पे शेयर वाले पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद कॉपी लिंक कर लेना है। कोई एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना है, मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा कैसे आप गूगल या फिर क्रोम किसी में भी जा सकते हो। यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल के लिए क्रोम ओपन किया है, जैसा मैं सर्च कर रहा हूँ वैसा ही आपको भी सर्च कर लेना है। सो यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया, सॉरी ये गलत वेबसाइट है, कभी कभी आपका सो रिजल्ट में आता है। सो वो आपको नहीं ओपन करना है, सिर्फ आपको लिखना है वाई टू मेट, ऐसा लिख देना है। सो यहाँ पे हम इसे कट कर देते हैं। सो ऐसा आप सर्च कर लोगे जब तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस शो हो जाएगा। सो आपको अब क्या करना है, ये पहले वाले वेबसाइट पे एक बार क्लिक कर देना है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, अगर आपको ये वेबसाइट नहीं मिलता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे इस वेबसाइट का आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अब क्या करना है, इस पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ ही पे लॉन्ग प्रेस आपको करके रखना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सो ये हमारा ऐसा कुछ आ चुका है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है नई मेम संजय दत्त फॉर यूट्यूबर। सो ये ऐसा दिखा दिया हमें। अब आपको यहाँ पे चूज करना है, रिजोल्यूशंस यहाँ पे दिए हुए रहेंगे 144p.3 GB MB 144p.MP4 MB 240p.MP4 MB 360p.MP4 295.8 KB। सो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, आपको कोई भी एक रिजोल्यूशन सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया सो आपको ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, बस आपको एक बार कट कर देना है। ये सब सारे फेक वेबसाइट रहते हैं, इसीलिए आपको कट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे download.mp4 पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे फिर दूसरे वेबसाइट में ये ले जाएगा, बट आपका नीचे डाउनलोड होना शो हो जाएगा। सो ये हमें डायरेक्ट यूट्यूब है, देखते हैं। सो ये हमें ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। अगर आप
ये जिसका भी वेबसाइट है उससे उसकी तरफ से स्पॉन्सर आता है तो ये डायरेक्ट यूट्यूब में ले जाता है। बट अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखना है आपको अपने क्रोम एप्लीकेशन में कि आपका डाउनलोड हुआ या फिर नहीं। सो यहाँ पे हम होम में चले जाते हैं एंड देन डाउनलोड्स में चले जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो है नहीं मेम संजय दत्त ऐसा डाउनलोड हो चुका है। सो अब आपको क्या करना होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नहीं। सो यहाँ पे आपने देख लिया, आप भी इसी तरह से आप कोई भी मेम या फिर सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हो और बिना कॉपीराइट के, और वो क्रिएटिव कॉमन्स जो फिल्टर्स में जाके मैंने किया था उसे करना नहीं भूलना। वैसे अगर नहीं करोगे तो आपको कॉपीराइट भी पड़ सकता है। सो वैसे ज़रूर से ज़रूर कर देना। अब क्या करना है आपको, अब एक लास्ट थिंग है ये, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना है, एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है। बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना है ताकि हम जो भी वीडियो निकालें आप तक वो पहले नोटिफिकेशन की तौर पे चले जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।